दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रिपरेशन में लेके आए हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या लेके आए दोस्तों? आपका आज चैप्टर है और टॉपिक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग आज देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चनों का एक जखीरा है, जिसमें आपको मैं लगभग 200 से 250 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नामक टॉपिक से। और ये और चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आराम से आपको देखने को मिले जाएंगे। चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, DSSSP टीजीटी पीजीटी या GRC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए निकली प्रवक्ता की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, द स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी इज कॉल्ड। फंक्शनल एनाटॉमी की स्टडी जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी जो होती है दोस्तों, हिस्टोलॉजी क्या होती है? ये हम लोग इसकी स्टडी करते हैं किसमें? बोन्स के लिए। एनालॉजी में हम लोग पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। होमोलॉजी जो होता है, होमोलॉजी में जो होमोलॉगस ऑर्गन होता है उसका स्टडी करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन किया जाएगा, टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी में क्या हो गया? द स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी। किसकी स्टडी करते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी की करते हैं स्टडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर टू है होमोलॉजी डज नॉट रिफर्स टू। होमोलॉजी रिफर नहीं करता किसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, कॉमन डिसेंट को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। किसको नहीं रिफर करता? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एनिमल विच आर सिमिलर इन बेसिक प्लान एंड डेवलप आर रिफर्ड टू एज। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा होमोलॉगस। क्या होगा यहाँ पे? होमोलॉगस। स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एनिमल्स, कई सारे विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्या हो, आर्स हो, क्या हो, सिमिलर हो उनके बेसिक प्लान में, लेकिन उसका डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो क्या कहलाता है ऐसे ऑर्गन? ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं होमोलॉगस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द होमोलॉगस ऑर्गन्स आर। होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, विंग्स ऑफ स्पैरो एंड हनी बी, विंग्स ऑफ पिजन एंड बैट, विंग्स ऑफ पैरेट एंड हैंड्स ऑफ मैन। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ पैरेट, हैंड्स ऑफ मैन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर, होमोलॉगस ऑर्गन होते क्या है उसके बारे में देखिए, ध्यान सुन लीजिए कि सिमिलर इन ओरिजिन विथ सिमिलर आर डिसिमिलर फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन विच आर डिसिमिलर इन फंक्शन, डिसिमिलर इन ओरिजिन एंड डिसिमिलर इन फंक्शन स्ट्रक्चर, डिसिमिलर इन ओरिजिन एंड सिमिलर इन फंक्शन। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिमिलर इन ओरिजिन विथ सिमिलर आर डिसिमिलर फंक्शन। उनकी ओरिजिन क्या होती है? सिमिलर होती है, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच ग्रुप इंक्लूड होमोलॉगस ऑर्गन। कौन सा ग्रुप होमोलॉगस ऑर्गन इंक्लूड करता है इसमें? तो आपको बताना है, हॉर्न्स ऑफ कैटल, टेल ऑफ हॉर्स एंड टीथ ऑफ मैमल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, फिन्स ऑफ सील, विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोरलिम ऑफ मैन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिन ऑफ सील, जो सील का फिन है वो फोरलिम का बना होता है, फोरलिम का मॉडिफिकेशन है, विंग्स ऑफ बर्ड भी फोरलिम का मॉडिफिकेशन है, और फोरलिम ऑफ मैन वो क्या है, ये सब मैन में पकड़ने का काम आता है, बाकी इन दोनों में उड़ने में और तैरने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच वन इज अ पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। इसमें से कौन सा एक होमोलॉगस ऑर्गन का पेयर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेक्टोरल फिन ऑफ रोहू एंड फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स। पेक्टोरल फिन ऑफ रोहू एंड फोरलिम्ब्स ऑफ हॉर्स, ये क्या है? ये पेयर है होमोलॉगस ऑर्गन के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल ऑफ मैन एंड क्लॉ ऑफ कैट। मनुष्य के नाखून, मनुष्य के क्या है, नाखून और बिल्ली के पंजे, ये क्या है दोनों? ये होमोलॉगस ऑर्गन है, वो स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, अ थॉर्न ऑफ बगैनोवेलिया एंड अ टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा इंडिकेट। बगैनोवेलिया का थॉर्न और टेंड्रिल किसका? कुकुरबिटा का। वो क्या इंडिकेट करते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर को, एनालॉगस स्ट्रक्चर को, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर और रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? होमोलॉगस स्ट्रक्चर को ये लोग क्या करते हैं? रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट होमोलॉगस। इसमें से कौन होमोलॉगस नहीं है? तो वर्टिब्री फॉरलिम्ब, इंसेक्ट लेग्स, इंसेक्ट माउथ पार्ट, बर्ड एंड इंसेक्ट विंग्स, ये दोनों क्या है?
ये दोनों बर्ड और इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं वो होमोलोगस ना होकर क्या है, हेट्रोलोगस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल होमोलोगस ऑर्गन, इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जो सभी होमोलोगस ऑर्गन को कवर कर रहा है, तो क्या है, निफ्रीडियम, मेलपिगियन ट्यूबुल्स एंड यूनिफेरस ट्यूबुल्स, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाते हैं। जबकि विंग्स ऑफ बैट, पिजन एंड लोकस्ट, इन तीनों के विंग्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका ओरिजिन अलग होता है और फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। नेमेटोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट एंड स्पोरोसिस्ट, ये सब क्या है, आपके होमोलोगस नहीं है, तो आपको सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीसीज ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिफाइड स्पीसीज ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी इनर्सिया, इसे क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी इनर्सिया कहेंगे। सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिज्म विच डिफर्स जीनोटाइप इंडिकेट्स, जो सिमिलरिटी होती है ऑर्गेनिज्म में जो डिफर करते हैं उसके जीनोटाइप इंडिकेट को, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पैरालेलिज्म, पैरालिज्म क्या होता है, एडाप्टिव डाइवर्जेंस, एडाप्टिव डाइवर्जेंस ऑफ वाइडली स्प्रेड स्पीसीज, एडाप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ वाइडली डिफरेंट स्पीसीज एंड एडाप्टिव कन्वर्जेंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एडाप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स की, आपका आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन 15 है होमोलोगस ऑर्गन्स एग्जिबिट, होमोलोगस ऑर्गन्स एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन में, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ मैमल्स, तो आपका यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, थ्रू ऑल मैमल्स व्हेल, डॉल्फिन, बैट, मंकी एंड हॉर्स हैव सम इम्पोर्टेंट कॉमन कैरेक्टर बट दे ऑल्सो शो कॉन्सिपिकस डिफरेंसेज, दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है एनालॉगस ऑर्गन्स आर डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, ये आपका क्या होंगे, एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एनालॉजी इज फाउंड बिटवीन, एनालॉजी किस किस में पाई जाती है, हैंड्स ऑफ मैन एंड फॉलेम ऑफ हॉर्स, हैंड ऑफ मैन एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर एनालॉगस, एनालॉगस क्या होते हैं, व्हेन टू ऑर्गन्स हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर, व्हेन टू ऑर्गन्स हैव द सेम फंक्शन आर यूज, व्हेन टू ऑर्गन्स हैव द सेम मोड ऑफ डेवलपमेंट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन टू ऑर्गन्स हैव द सेम फंक्शन आर यू, फंक्शन आर यूज बट ओरिजिन इज अ डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है विच पेयर ऑफ ऑर्गन्स आर एनालॉगस इन नेचर, नेचर में कौन सा पेयर इसमें क्या है एनालॉगस है, तो गिल और गिल ऑफ फिश एंड गिल ऑफ प्रॉन, आर्म ऑफ मैन एंड लिम्ब ऑफ हॉर्स, ईयर ऑफ फ्रॉग एंड ईयर ऑफ रैबिट, विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ सील, तो आपका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिल ऑफ फिश एंड गिल ऑफ प्रॉन, दोनों क्या करते हैं, दोनों का वर्क सेम है, दोनों का कार्य होता है रेस्पिरेशन के लिए वाटर को फिल्टर करना। क्वेश्चन 21 है विंग्स ऑफ बर्ड आर बटरफ्लाइज एंड बटरफ्लाइज आर, बर्ड और बटरफ्लाई विंग्स दोनों क्या हैं, ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 चलेंगे दोस्तों, एनालॉगस ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज, एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं उन्हें और क्या कहते हैं हम लोग, होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स, अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स, एवोल्यूशनरी ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन इज ए, होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स भी इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 इज दैट वेस्ट स्टैक ऑफ एवोल्यूशन इज शोन बाय विंग्स ऑफ बैट, मॉस्किटो एंड पिजन, तो राइट ऑप्शन इज दैट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एटविज्म एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट एनालॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीडी इवोल्यूशन, स्लो इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इट इज अ यूनोलॉजी, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज एंड डेवलपमेंट ऑफ, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस का डेवलपमेंट किसका है, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन
क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री डिसिमिलर कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स और रैंडम मेटिंग. क्वेश्चन नंबर 25 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 26 है विच सेट इंक्लूड ऑल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ऑफ मैन. इसमें कौन से सेट में जितने भी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ऑफ मैन के वो हैं. क्वेश्चन 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप पहले कॉक्सी विजडम टूथ एंड ईयर मसल्स. ये क्या हैं? ये सब के सब वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं. इसका यूज हमारे ह्यूमन बींग में नहीं है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन मैन. मैन में कौन सा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है? मसल्स ऑफ ग्लोटिस विजडम टूथ इंटेस्टाइन ईयर पिन्ना. तो अब क्या आंसर क्या हो जाएगा? विजडम टूथ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन. इसमें से कौन एक ऐसा जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? तो एपिग्लोटिस मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना वन फॉर अपेंडिक्स एंड कोकॉक्सी. तो राइट ऑप्शन होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए एपिग्लोटिस. क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है 29 का आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन ऑफ नो यूज नो पोसेसर. वाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? ऑर्गन प्रेजेंट इन द एंसेस्टर बट एब्सेंट नाउ और प्रेजेंट इन द रिसेंट ओरिजिन बट एब्सेंट इन एंसेस्टर्स. ऑर्गन्स ऑफ मेनी यूजेस और ऑर्गन ऑफ नो यूज टू द पोसेसनर. 29 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30 है. 30 की बात करेंगे दोस्तों एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन का कौन सा एग्जाम्पल है? नेल ऑफ मंकी हेयर ऑफ बियर ईयर ऑफ काउ निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैन. राइट ऑप्शन क्या होगा? निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ अ मैन. ये किस में पाई जाती है? ये आपके जितने भी जलीय जीव होंगे उसमें पाई जाती है. जैसे सपोज कोई अगर मछली है तो मछली की आंखों में क्या होता है? एक विशेष प्रकार पर्दा होता है जिसको क्या करता है वो अपने ऊपर कवर कर लेता है. इसे हम लोग कहते हैं निक्रिटेटिंग मेम्ब्रेन. बट ह्यूमन बींग्स में भी पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसमें पूछ रहे वेस्टिजियल पार्ट आपके ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ईयर्स टूथ ईयर मसल्स एंड गम्स. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ईयर मसल्स. क्वेश्चन नंबर 32 है एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी आर. ह्यूमन बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन वो कौन सा है? विजडम टूथ कॉकॉक्सी वन फॉर अपेंडिक्स एंड नेल. कॉकॉक्सी विजडम टूथ वन फॉर अपेंडिक्स आर्टिकुलर मसल्स. नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी है कॉकॉक्सी कोकिक्स वर्मी फॉर अपेंडिक्स विजडम टूथ एंड पेनक्रियाज. एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टिकुलर मसल्स कोकॉक्सी नेल विजडम टूथ. राइट ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोकॉक्सी विजडम टूथ वर्मी फॉर अपेंडिक्स एंड आर्टिकुलर मसल्स. ये क्या हैं? ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बींग. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन. इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन मैन में नहीं है? वर्मी फॉर अपेंडिक्स इलियम मसल्स ऑफ एयर पिन्ना. तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलियम. इलियम किसका पार्ट है? ये इंटेस्टाइन का पार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन. मैन में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन? क्लोएका आईलेट पिन्ना एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. है ना, कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन मैन में है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ठीक. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन एज. पाइथन का जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो क्या है? टीथ है, हाइंड लिम्स है, नोज एंड स्केल. तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा? हाइंड लिम्स. क्वेश्चन नंबर 36 विच वन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन. ह्यूमन में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन? आयरिस नेजल एपिथेलियम मसल्स एंड पिन्ना मसल्स. राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिन्ना मसल्स. क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन इज अ वेस्टिजियल इन ह्यूमन. ह्यूमन्स में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स बॉडी हेयर्स थंब एंड कंजेक्टिवाइटिस. क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉडी हेयर्स. क्वेश्चन नंबर 38 है स्नेक डू नॉट पोसेस लेग्स बिकॉज. स्नेक में लेग्स नहीं होता क्यों? बिकॉज लेग्स आर डिजनरेटेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के समय लेग्स क्या हो गए? डिजनरेट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 है दस क्रेडिट फॉर लिस्टिंग ओवर 100 वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन गोज टू. मनुष्य में 100 वेस्टिजियल ऑर्गन को लिस्ट करने का जो क्रेडिट किसको जाता है? तो आपको साथ 39 का राइट ऑप्शन होगा आपका वाइडर साइम को जाता है. क्वेश्चन नंबर 40 है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑल आर. वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं वो सब क्या है? होमोलोगस होते हैं, एनालॉगी होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सब रूडिमेंट्री होते हैं. क्या होते हैं? रूडिमेंट्री होते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल पार्ट इन ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन समय ये ह्यूमन का वेस्टिजियल पार्ट नहीं है.
है ना, नॉट अ वेस्टर्न पार्ट इन ह्यूमन इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन। तो कोकेक्स है, फिंगर नेल्स है, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन है, थर्ड मोलर टीथ इज साइड इन इच जॉ। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिंगर नेल्स। ये क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इज अ सेट ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें से कौन सा एक सेट है जो एवोल्यूशन का एविडेंस है। होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑल ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल आर द एबव। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, विच वन इज अ वेस्टिजियल इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा वेस्टिजियल है, पिन्ना, आईलेट्स, कैनाइन टीथ, नेल्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैनाइन टीथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरीपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है किनके बीच में, एनिलीड्स एंड मोलस्क, एनिलीड्स एंड हेलमिंथ, एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। क्वेश्चन नंबर 46, पेरीपेटस रिजेंबल्स एज आर्थ्रोपोड इन हैविंग। पेरीपेटस जो होता है आर्थ्रोपोड का दिखता है, वो उसके पास क्या होता है जो उसे बताता है कि वो आर्थ्रोपोड है। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, सेगमेंटेड मेटानेफ्रिडिया, पेयर्ड अपेंडेजेस, सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड डोर्सल ऑस्टिएटेड हर्ट। लास्ट ऑप्शन 46 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू फाइला, एपी एकेडिना, पेरीपेटस, कैमिलियन और आर्क्योप्टेरिक्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पेरीपेटस। क्वेश्चन नंबर 48, विच प्रोटोजोअन्स रिजेंबल द एंसेस्ट्रल फॉर्म फ्रॉम विच द प्लांट एंड एनिमल इवॉल्व, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा इज। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, तो 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेट्रो स्पॉन्जिया, प्रोटो प्रोटीरो स्पॉन्जिया। ये क्या है, ये प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के बीच क्या कनेक्टिंग लिंक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड मोलस्क, मोलस्क और एनिलीड के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन सा है। ये है नियोपिलाइना, पेरीपेटस, पेरीप्लैनेटा एंड लिमुलस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियोपिलाइना। क्वेश्चन नंबर 51, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट भी जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन सा है, पेरीपेटस, बेलेनोग्लासेस, टेकियोग्लासेस एंड इकानोडर्म्स। 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलेनोग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वन रिप्रेजेंट अ कनेक्टिंग लिंक एज एन एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एनाटॉमी इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें कैसा एक ऐसा कौन सा सेगमेंट है या कैसा स्टेटमेंट है जो ये एविडेंस प्रूव करता है कि वो कंपेरेटिव एनाटॉमी में किसके फेवर होगा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डक बिल्ड प्लेटिपस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। डकबेल जो होता है ये रेप्टाइल मैमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। डकबेल को हम लोग बतख चोचा भी कहते हैं, और मेनली ये क्या है, प्रोटोथीरिया होता है। क्या होता है, ये मेनली प्रोटोथीरिया होता है, और ये किसका पार्ट है, ये है आपके मैमल का पार्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, फोसिल्स रिमेन्स ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स इंडिकेट दैट, जो फोसिल्स और रिमेन्स पार्ट है आर्क्योप्टेरिक्स के वो इंडिकेट करते हैं कि रेप्टाइल्स गेव राइज टू बर्ड्स ड्यूरिंग जुरासिक, रेप्टाइल्स गेव राइज टू बर्ड ड्यूरिंग परमियन, इट वॉज अ फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम परमियन एंड इट वॉज फ्लाइंग रेप्टाइल फ्रॉम ट्रायसिक। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स गिव राइज टू द बर्ड ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन इज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक, इसमें कौन एक ऐसा जो कनेक्टिंग लिंक नहीं है, पेरीपेटस, कंगारू, नियोपिलाइना और आर्कियोप्टेरिक्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंगारू, बाकी पेरीपेटस, एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच क्या कनेक्टिंग लिंक है, नियोपिलाइना। अभी मैंने आपको बताया नियोप्लाइना किसके बीच कड़ी है दोस्तों, तो नियोप्लाइना आप जानते हैं कि ये है आपके एनिलीड एंड मोलस्क के बीच में, किसके बीच के, एनिलीड एंड मोलस्क के बीच में। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज लिविंग फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है दोस्तों, विच इज लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस, स्फिनोडॉन, कोलियोकैंथ एंड ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फोर्सेस, में कौन से कैसा है जिसे हम लोग लिविंग फोर्सेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिमस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल ट्रेड्स इन सर्टेन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रिकैपिटुलेशन, रिवर्जन, होमोलॉजी एंड एनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्जन। क्या होगा? रिवर्जन। क्वेश्चन नंबर 58 है, एटाविज्म इन मैन मीन्स अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, लॉस ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। राइट ऑप्शन होगा 58 का सी, अपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म, इसमें कौन से एक ऐसा एग्जांपल जो एटाविज्म का एग्जांपल देता है। स्केल ऑन फिशेस, फीदर्स ऑन बर्ड्स, टेल इन सम बेबीज, हेयर्स ऑन द हैंड ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेल इन सम बेबीज। क्वेश्चन नंबर 60 है, द प्रेजेंस ऑफ नेल, द प्रेजेंस ऑफ गिल्स लिट इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बायोजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रिकैपिटुलेशन। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन मीन्स दैट, जो रिकैपिटुलेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उस एनिमल की लाइफ हिस्ट्री जो उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। द रूल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज गिवन बाय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का रूल किसने दिया था, वॉन बियर ने, हैकल ने, मंडल ने एंड डार्विन ने। तो राइट ऑप्शन होगा 62 का ए, वॉन बियर ने। किसने दिया था दोस्तों, वॉन बियर ने। क्वेश्चन 63 है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ दियर एंसेस्टर्स, दिस लॉ इज कॉल्ड फ्लोरकिंस लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, एनाक्सीमेंडर लॉ एंड हार्डी विनबर्ग लॉ। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा 63 का, बायोजेनेटिक लॉ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी वाज क्वाइंड बाय डार्विन, लैमार्क, मॉर्गन एंड हीकल। क्वेश्चन नंबर 64 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीकल। क्वेश्चन नंबर 65, रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दिया था, अर्नेस्ट हीकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हीकल ने। क्वेश्चन नंबर 66, हीकल्स थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन मींस दैट, हीकल के जो रिकैपिटुलेशन थ्योरी उसका मीनिंग यह है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ये स्टेटमेंट था किसका, हीकल का ही रिपीट, ये किसका था, हीकल का ही स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 67 है, हेकल्स बायोजेनेटिक लॉ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम, हेकल के बायोजेनेटिक लॉ को सपोर्ट किससे मिला, पैलियंटोलॉजिकल स्टडीज, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज एंड सीरोलॉजिकल स्टडीज। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज के हेल्प में, स्टडी में हेल्प मिला। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्वेश्चन 68 राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गिल क्लिफ्ट इज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में क्या, गिल क्लिफ्ट का होना यह बताता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, टू जियोग्राफिकल रीजन्स सेपरेट बाय हाई माउंटेन रेंज, जो दो ग्राफिकल रीजन को सेपरेट करता है एक हाई माउंटेन्स, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो 69 का राइट ऑप्शन होगा आपका पैलियाकार्टिक एंड ओरिएंटल। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन फोसोरियल, जो इसमें से कौन से एक एनिमल जो फोसोरियल है, तो आपका 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये क्या है, आर्क्यूप्टेरस बहुत पहले हो चुके हैं, डोडोपस पहले गायब हो चुका है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाउ मेनी जियोग्राफिकल रीम्स आर नोन, जियोग्राफिकल रीम्स या जियोग्राफिकल एरियाज कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। 72 है, डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, दिस एविडेंस कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनाटॉमी, बायोजियोग्राफी, एम्ब्रियोलॉजी एंड पैलियंटोलॉजी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 72 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 इज दैट अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन।
occurrence of endemic species in South America and Australia is due to continental separation. Question number 74 is that diversity of living organisms is due to living organism जो diversity वो किसके कारण होती है? Mutation, gradual changes, long term evolutionary changes, short term evolutionary changes. Question number 74 का right answer होगा option number C, long term evolutionary changes. Question 75 है, specific diversification represent, specific diversification जो है वो represent करता है किसको? तो question 75 का right answer क्या होगा? Micro evolution की. क्या होगा आंसर? माइक्रो इवोल्यूशन. एंटी सीरम इज सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग. एंटी सीरम क्या होता है? जो कंटेन क्या होता है, कौन क्या? एंटीजेंस, एंटीबॉडी, ल्यूकोसाइड एंड नन ऑफ दिस. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडीज. क्वेश्चन नंबर 77 है, द प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ ब्लड टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द इंटर रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट एनिमल्स वॉज क्वाइन was conducted by. Question number 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेटल. क्वेश्चन नंबर 78, इन मैमल मेड मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आ. 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन. क्या हो जाएगा? मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. क्वेश्चन नंबर 79 है, साइटोक्रोम इज यूज एज एन एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो यूज होते हैं किसके एविडेंस एंड एवोल्यूशन में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, डाइकर्शन. क्वेश्चन नंबर 80 है, पैलियंटोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स. पैलियंटोलॉजी एक साइंस जो डील करती है एक्सटिंक्ट थिंग को वो डील करती है, या एक्सटिंक्ट एम्ब्रियो को. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 81, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड. फॉसिल का स्टडी क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, हर्पेटोलॉजी, साइटोलॉजी एंड पैलियंटोलॉजी. राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पैलियंटोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 82 है, स्टडी ऑफ पैलियंटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद. पैलियंटोलॉजी स्टडी किसके साथ एसोसिएट की जाती है? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल्स के साथ में. क्वेश्चन नंबर 83 है, फॉसिल्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन सपोर्ट ऑफ. फॉसिल्स क्या हैं? ये हमारे ग्रेट वैल्यू सपोर्ट करते हैं, दैट इज यूज एंड डिसयूज, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड म्यूटेशन. क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को ये इंडिकेट करता है. क्वेश्चन नंबर 84 है, द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस है वो है फॉसिल्स, एम्ब्रियो, मॉर्फोलॉजी एंड वेस्टिजियल ऑर्गन. क्वेश्चन नंबर 84 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल्स. क्वेश्चन नंबर 85, जियोलॉजी एंड जूलॉजी आर इनिशियली कनेक्टेड इन. जियोलॉजी और जूलॉजी दोनों कनेक्ट होते हैं किसकी वजह से? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैलियंटोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 86 है, फॉसिल्स आर रिमेंस ऑफ. फॉसिल्स क्या होते हैं? तो क्या हो जाए? डेड ऑर्गेनिज्म, इंस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, कनेक्टिव लिंक एंड प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म. राइट 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 87, फॉसिलाइजेशन इज ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड बाई कैलामिटीज, ऑर्गेनिज्म ईटन बाई प्रीडेटर्स, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड बाय द स्कैवेंजर्स, एनिमल ब्रीड एंड प्रेजर्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस. 87 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 88 दैट एग्जिस्टेंस ऑफ कोल और पेट्रोलियम कैन बी नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड पैलियोबॉटनी. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पैलियोबॉटनी. क्वेश्चन 89, विच वन प्रोवाइड्स डायरेक्ट आर सॉलिड्स एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्रू एजेस. क्वेश्चन नंबर 89 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पैलियंटोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 90 है, बीरबल सानी वर्कड ऑन. बीरबल सानी किस पे कार्य कर रहे थे? फॉसिल्स, प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स. क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल्स, प्लांट. क्वेश्चन नंबर 91, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियंटोलॉजी इज सिचुएटेड इन लखनऊ. क्वेश्चन नंबर 42, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलियंटोलॉजी वाज. मॉडर्न पैलियंटोलॉजी का जो फादर है वो कौन है? वो है ग्रेग जॉर्जस, कुवियर, हक्सले, डच, डॉबजॉन्स्की एंड हेकल. क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉर्जियस, जॉर्जस, कुवियर. क्वेश्चन नंबर 93, द फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड. जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसका आंसर क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन को. क्वेश्चन नंबर 94 होगा, द चेंज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 94
क्वेश्चन नंबर 94 इज दैट द चेंज ऑफ द हायर कलर्ड वैरायटी ऑफ पीपेंड माउथ बिस्टन बिटुलेरिया टू इट्स डार्कर साइज वैरायटी इट इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट ऑप्शन होगा इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सिंगल मेडिसिन जीन्स फॉर सर्वाइवल इन स्मोक लैंड लैडन एंड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 95 है सम ऑर्गेनिज्म एस्केप डिटेक्शन फ्रॉम एनिमीज बाय द रिजेंबलिंग अदर ऑर्गेनिज्म द फिनोमिनन इज होमोलॉजी मिमिक्री नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 95 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मिमिक्री। क्वेश्चन नंबर 96 है इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इज एक्सिबिटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 96 राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पेपर मोथ। क्वेश्चन नंबर 97 है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एक्वेटिक एंड मार्जिन एंड मैरीन ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 97 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 97 राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए थेल्स। क्वेश्चन 98 है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन 98 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रेस डेवलपमेंट ऑफ अ रेस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अ रेस हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रेस विथ वेरिएशन। ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 इज दैट डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ 99 का सेंट्रल थीम क्या होगा डिसेंट ऑफ विथ मॉडिफिकेशन का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है आपका इवोल्यूशन क्या है इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 100 है बेसिक आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इज डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन स्पीशीज क्रिएशन कॉस्मिक एवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 101 प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज इवोल्यूशन का जो प्रोसेस वो क्या होता है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इन द पास्ट बट डिसकंटिन्यूअस प्रेजेंटली क्या डिसकंटिन्यूअस इन द पास्ट और कंटिन्यूअस प्रेजेंटली। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 102 है कि एवोल्यूशन विल नॉट अकर एवोल्यूशन नहीं होता इफ देयर इज नो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सोमैटिक वेरिएशन आर नॉट अवेलेबल देयर आर नो जेनेटिक वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज एन एक्सीलेंट वर्किंग हाइपोथेसिस टू अप्रोच द प्रॉब्लम्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन अर्थ अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म क्या है डायवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 104 है डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन इज कनेक्टेड विथ एवोल्यूशन का कनेक्शन होता है वो किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन है ग्रेजुअल चेंजेस फॉर इवोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज एडाप्टेशन नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन डेवलपमेंटल एनाटॉमी। राइट ऑप्शन होगा 105 का ऑप्शन नंबर सी वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 106 है द बुक फिलोसफी ऑफ जूलॉजी वॉज रिटन बाय द लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 है लैमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पीशीज क्रिएशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नन ऑफ दिस राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 108 है 108 पे चलेंगे हम लोग देखेंगे क्या देता है क्वेश्चन दोस्तों चलिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वॉज डेवलप्ड बाई 108 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 109 है द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वॉज गिवन बाई यूज एंड डिसयूज की थ्योरी किसने दी थी तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 है द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिज ऑर्गन इन मैन सपोर्ट जर्मोप्लास्ट थ्योरी सिंथेटिक थ्योरी नेचुरल साइंस थ्योरी द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बट ऑन लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आर एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों विच वन डज नॉट फेवर लैमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने फेवर नहीं किया था तो राइट ऑप्शन होगा एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक प्रेजेंस ऑफ वेब टू इन एक्वेटिक बर्ड मेलानाइजेशन ऑफ पेपर्ड मॉथ इन इंडस्ट्रियल एरिया लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलर्स। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलर्स। क्वेश्चन नंबर 112 है लैमार्क क्या थे जर्मन बायोलॉजिस्ट ब्रिटिश
इवोल्यूशनिस्ट, फ्रेंच नेचुरलिस्ट एंड अमेरिकन बोटेनिस्ट, अमेरिकन बायोकेमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच नेचुरलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैमार्क थ्योरी वाज मोस्ट सीवियरली क्रिटिसाइज बाय। लैमार्क थ्योरी को बहुत ज्यादा सीवियर ढंग से क्रिटिसाइज किया गया था डार्विन द्वारा, मेंडल द्वारा, ह्यूगो डुविज द्वारा, कुवियर द्वारा। तो 113 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुवियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ यंग कपल लॉस्ट देयर लोअर लिम इन एन एक्सीडेंट, देयर चिल्ड्रेन विल बी हैविंग नो लोअर लिम्स, अनडेवलप्ड लोअर लिम्स, नॉर्मल एंड वेल डेवलप्ड लिम्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल एंड वेल डेवलप्ड लिम्ब। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट सपोर्ट लैमार्किज्म। कौन से बायोलॉजिस्ट ने जिन्होंने लैमार्क को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब कैमरर, सुमनर और टावर, तीनों ने लैमार्क के नियम को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 रिफ्लेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ आरएनए व्हाट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए हैज सिंथेसाइज्ड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिज्म आर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वॉज मेड बाय लैमार्क, डार्विन, वैलेस, ओपेरिन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क। द प्रेजेंट जिराफ हैज अ लॉन्गर नेक एंड एज कंपेयर टू इट्स एंसेस्टर इट वुड बी ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन, आइसोलेशन। 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 119 है, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ बोरिंग ईयर्स एंड नोस्ट्रिल, भारत के जो ट्रेडिशन है नाक और कान छिदाने का वो क्या है, सपोर्ट लैमार्किज्म, डिसप्रूव लैमार्किज्म, नाइदर सपोर्ट नॉट डिस्क्रिप्ट लैमार्किज्म, नन ऑफ दिस। 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसप्रूव लैमार्किज्म। क्वेश्चन 120 है, अ साइंटिस्ट कट द टेल ऑफ माइस बट देयर एंग वन हैड टेल्स, ही डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ लैमार्कियन। क्वेश्चन 130 का सही आंसर होगा, 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहां तक हमने आपको 120 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। ये आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन